सादर प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यानी कि फूड प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आज का टॉपिक हमारा ये है। देखिए, हम ये जानते हैं, आज का जो टॉपिक है ना, हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है। एक तो क्लास 12th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, साथ ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि जीके का नॉलेज को इनपुट किया गया है, क्योंकि टॉपिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए इंटरमीडिएट अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब टाइम शुरू हो गया है जब उन्हें कॉम्पिटिशन के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही है। तो फिलहाल चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि जो खाद्य उत्पादन है यानी कि फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर किस तरीके का काम किया जा रहा है, किस तरीके से एक रणनीति बनाई जा रही है, हम ये पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डे बाय डे जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। जब लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं यानी कि संसाधन हैं, उन संसाधनों के लिमिटेशन है। एक उस लिमिटेशन के बाद यानी कि उस लिमिट के बाद वो संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उनका एक अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश है, यानी कि उनका एक विकल्प ढूंढने की कोशिश है, जिससे कि फूड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए। तो फूड प्रोडक्शन बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है या प्रमुख आवश्यकता है कि इसमें वृद्धि की जाए, यानी कि इसको बढ़ाया जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए और इसको ऐसा बनाने के लिए ये पोषण से भरपूर हो, तो फिलहाल हम बढ़ाने के दो तरीकों की बात करते हैं। एक तो इसमें क्या आएगा, पशुपालन, यानी कि जिसमें जानवरों को पाला जाता है, यानी जिसे हस्बेंड्री कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा आएगा इसमें पादप प्रजनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, पशुपालन और पादप प्रजनन, इन दोनों को लागू करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जिससे कि फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, यानी कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है, अब इन फ्यूचर हम जाने डे बाय डे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जा रहा है। और आजकल जो ये टाइम चल रहा है, जो जगह जगह लॉकडाउन है और जो भी ये कोरोना का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसको अगर ध्यान में देखें तो बहुत सारे इस समय ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे टेक्नोलॉजी को के यूज को भी सिखाया है। तो यहाँ पर जब हम फूड प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने अपने पैर बढ़ा लिए हैं। तो इसी क्रम में बहुत नई नई तकनीकें आई जा रही हैं, जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन भी है और इसी के साथ साथ जो टिश्यू कल्चर है वो भी है। इसके तरीके से या इनकी सहायता से टिश्यू कल्चर या एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण जिसे कहते हैं, इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है, यानी कि फूड की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन की। पशुपालन और एनिमल ब्रीडिंग, जिसे हिंदी में पशु प्रजनन कहते हैं, और पशुधन, ये दो तीन शब्द हैं जिनको समझना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले हम पशुधन की बात करते हैं। पशुधन क्या होता है, एक से ज्यादा यानी कि एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, एनिमल्स का एक ग्रुप हो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा है, एक या एक से ज्यादा एनिमल्स का ग्रुप हो जिसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एनवायरमेंट है उनसे संबंधित भोजन यानी कि फूड, फाइबर यानी कि रेशा और लेबर यानी कि श्रम, ठीक है, इनकी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें पालतू बनाया जाता है यानी कि उन्हें पाला जाता है। तो इन पालतू जानवरों को कहा जाता है पशुधन। ठीक है, किस लिए किया जाता है, ऐसे ही नहीं किया जाता, उनसे हमें फूड भी चाहिए, उनसे हमें फाइबर भी चाहिए, उनसे हमें काम भी लेना है। जैसे हम जानते हैं जब एग्रीकल्चर की जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे जानवर बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ पशुधन।
इन ये पशुधन तो वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, इस पशुधन के अंतर्गत कुछ भी आ सकते हैं, जैसे आपके भैंस भी आ सकती हैं, गाय भी आ सकता है, और पिग भी आ सकता है, घोड़ा आ सकता है, भेड़ आ सकती है, ऊंट आ सकता है, बकरी है, ये सारे के सारे हैं। इनको पालने के साथ साथ इनके रिप्रोडक्शन को भी रिफाइन करना या इनके रिप्रोडक्शन को भी बढ़ाना, जिससे कि ये हमारे लिए क्या हो सके, बेनिफिशियरी हो सके, ठीक है, जिससे ये क्या होंगे, हमारे लिए लाभदायक होंगे। इसमें हालांकि जब हम जनरल तरीके से कहते हैं तो हम इसमें पोल्ट्री को और फिशरीज को वैसे तो नहीं शामिल करते हैं, लेकिन कई बार जनरली जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो पोल्ट्री और फिशरीज को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि फिशरीज क्या है, तो फिशरीज के अंतर्गत यानी कि मत्स्यकी जिसे बोला जाता है, इसके अंतर्गत फिशेज का पालन किया जाता है, मोलस्का का पालन किया जाता है यानी कि मोलस्का से संबंधित जो होते हैं, और साथ ही पालन किया जाता है क्रस्टेशियन का, ठीक है। क्रस्टेशियन मीन्स जैसे प्रॉन हो गए, क्रैब हो गए, उनका यहाँ पर पालन किया जाता है, पकड़ा जाता है यानी कि शिकार किया जाता है, फिर उनको बेचा जाता है। आप जानते ही हैं कि ये अलग से एक मार्केट में इनकी सेलिंग होती है, बाइंग होती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये पशुपालन है, या अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें तो ये ऐसा तो है नहीं कि वन डे अचानक से हुआ और शुरू कर दिया, चलो पशुपालन करते हैं। प्राचीन काल से इस चीज का यूज हो रहा है। जब मनुष्य शुरू में शिकार करता था तो कुछ टाइम बाद जब उसने चीजों को जनरलाइज करना शुरू किया, टाइम पास होता चला गया, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, फिर उसने धीरे धीरे खेती करने की ओर अपना झुकाव किया, यानी कि उसने सोचा कि खेती की जाए, उसने अनाज उगाना शुरू किया। जब उसने अनाज उगाना शुरू किया तो उसे लगा कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, तो उसने ऐसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया जो उसकी खेती की देखभाल भी कर सके, जैसे कि कुत्ता, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो मनुष्य के साथ कुत्ते के जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं, जैसे जो कब्रगाह वगैरह मिली है, तो बहुत पहले से जो कुत्ते का पालन मनुष्य यानी कि मनुष्य करता रहा है। तो फिर उसके बाद उसने बैलों को, भैंसों को और इन जंतुओं को पालना शुरू कर दिया, जिससे कि वो खेती में इन जंतुओं का उपयोग कर सके, साथ ही साथ उनके उनसे भोजन की भी प्राप्ति उसके द्वारा की जा सके, ठीक है। अब ये तो था कि पशुपालन क्या हुआ और पशुधन क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत मोटे मोटे से आंकड़े हैं कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पाया जाता है, पूरे भारत में पाया मतलब सॉरी भारत में पाया जाता है, विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक पशुधन कहाँ पर है, यानी कि भारत इसके संदर्भ में पहले नंबर पर है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन करने वाला अभी तक भारत पहला देश था। ये आंकड़े लगभग 2018 में चेंज हो गए और इस समय सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला जो कंट्री है वो है यूएसए, और भारत उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर, यानी कि दूसरा स्थान हो गया है इसके संदर्भ में इंडिया का। यूएसए में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है लगभग 91.3 बिलियन केजी, ठीक है, 91.3 बिलियन केजी, और यहां पर जो होता है 60.6 बिलियन केजी होता है। तीसरे नंबर पर यहां पर चाइना आता है, चाइना में रोता है इससे काफी कम है, बहुत डिफरेंस है, यानी कि 35.7 बिलियन केजी यहां पर प्रति वर्ष प्रोडक्शन होता है मिल्क का। देखिए अब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में कौन कौन से स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में आगे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन जिनमें होता है, पहले नंबर पर आता है इसमें यूपी, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है, अकेले यूपी में ही पूरे भारत का लगभग 17% मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो दूसरे नंबर पर यहां पर आता है गुजरात, और तीसरे नंबर पर आता है यहां पर पंजाब, ठीक है। तो ये तीन मुख्य स्टेट हैं जो मिल्क प्रोडक्शन में शुरुआती स्थान रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है जिसकी बात करनी है हमें क्वेश्चन से रिलेटेड, मिल्क डे भी मनाया जाता है, मिल्क डे मनाया जाता है 25 नवंबर को।
25 नवंबर को मनाया जाता है। एक्चुअली वर्गीज कुरियन थे जिन्होंने भारत जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन थे जिन्हें कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर इनको कहा जाता है। और ये अब आप समझ ही गए होंगे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध है मिल्क प्रोडक्शन से, यानी कि दूध के उत्पादन से। वर्गीज कुरियन का एक उपनाम भी रखा था इसी के संदर्भ में, उनको जाना जाता है मिल्क मैन के नाम से। तो 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मिल्क डे, यानी कि उनके सम्मान में उनके जन्म दिवस को मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। वो श्वेत क्रांति के जनक रहे हैं, यानी कि जो व्हाइट रिवोल्यूशन है, अलग अलग तरीके के रिवोल्यूशन है, जैसे आते जाएंगे उनको पढ़ते चले जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर जब पशु मेला लगता है, ये जो पशु मेला लगता है, एक तो लगता है सोनपुर, जो सोनपुर मेला यानी कि बिहार के सोनपुर में लगता है, ठीक है, सोनपुर मेला। और ये कहाँ लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है, हर साल ये मेला लगता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। और स्थानीय लोग इसको किस मेले के नाम से जानते हैं, वो जानते हैं छत्तर मेला के नाम से। अब विश्व का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े मेले की बात करें तो वो मेला है पुष्कर मेला। ये इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा मेला है जो राजस्थान में लगता है, और अरावली पहाड़ियां जो है वहां पर एक छोटा सा शहर है पुष्कर नाम से, वहां पर ये मेला लगता है और इंटरनेशनली बहुत प्रसिद्ध है। ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और ये मेला हर साल लगता है, और इतना प्रसिद्ध मेला है कि देश विदेश से लोग हर साल इस मेले को देखने यहाँ पर आते हैं। पुष्कर की एक और विशेषता है, अगर अपने पौराणिक उससे जोड़ें तो पूरे अगर भारत की बात करें तो अकेला ये पुष्कर ऐसा स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। बाकी ब्रह्मा जी का मंदिर किसी अन्य स्थान पर नहीं है, केवल कहां पर है, पुष्कर में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे फार्मिंग की, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आ गए जो इससे संबंधित थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि फार्मिंग की, किस तरीके से फार्मिंग होती है। तो यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, हम स्पेशली दो तरीके की फार्मिंग की बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की, ठीक है, पहले हम डेयरी फार्मिंग की बात कर लेते हैं। देखिए डेयरी फार्मिंग जो होती है एक तरीके का मैनेजमेंट है ऐसा, जिसमें कि जो हम है यानी कि मनुष्य है, वो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूध का या अदर जो प्रोडक्ट हैं उनका यहाँ पर क्या करता है, प्रोडक्शन करने की तैयारी करता है और उसको बढ़ाता है। अब डेयरी फार्म में दूध से बने अलग अलग तरीके के उत्पाद बनते हैं, यानी कि जैसे मक्खन हो गया, जैसे पनीर हो गया, या मावा हो गया, तो ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर उत्पाद तैयार किए जाते हैं, प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। और मेन उद्देश्य यहाँ पर डेयरी फार्मिंग के मैनेजमेंट से संबंधित दो हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जो मिल्क की क्वालिटी है उस मिल्क क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, यानी कि उसमें जैसे भी हो सुधार किया जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जो क्वालिटी के साथ साथ मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम किया जाए, यानी मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और मिल्क प्रोडक्शन मूल रूप से जनरली जो किस पर डिपेंड करता है, जिन ब्रीड का यानी कि जिन पशु नस्लों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पशु नस्लों पर निर्भर करता है कि किस तरीके से दूध का उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब जनरली होता क्या है, अगर अच्छी नस्ल के पशु हैं तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और अच्छी नस्ल क्या होती है, जो भी वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली चयन किया जाता है। अब सपोज मुझे पता चल जाए कि अफ्रीका की फलानी नस्ल बहुत अच्छी है तो हम उसे यहां पर ले आए, तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उन कंडीशंस को ध्यान में रखकर बेहतर नस्लों का यानी कि ब्रीड का चयन करना जरूरी है। फिर अगर ज्यादा प्रोडक्शन वाले हमें पशु चाहिए तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, जैसे उनकी देखभाल कैसे की जाए,
जहां उनको रखा गया है वो स्थान कैसा हो, जैसे कि वो स्थान हवादार हो, उस स्थान पर नमी ना हो, पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो और टाइम टू टाइम उनका चेकअप होता रहे। साथ ही उनका जो ब्रीड है वो ब्रीड किसी भी तरीके से स्पॉइल ना हो, इस बात का ध्यान में रखा जाए। एक ऐसा एनवायरमेंट हो जिसमें जल्दी से कोई डिजीज या किसी अन्य तरीके के बैक्टीरिया पनपने की संभावनाएं कम हो। फिर जब हम वहाँ इस तरीके से ग्रुप में एनिमल्स को पाल रहे हैं तो हमें कुछ साइंटिफिक तरीके भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे जो हम उन्हें फूड दे रहे हैं यानी कि जो हम उन्हें चारा दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हम उसको कितनी मात्रा में ये फूड दे रहे हैं। एक निश्चित मात्रा में ही फूड दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मिल्क ज्यादा चाहिए तो चलो भैया उसे ज्यादा फूड दे देते हैं, चारा ज्यादा खिला दिया और ऐसा कर दिया तो दूध बढ़ेगा, ऐसे क्या होगा, जानवर बीमार हो सकता है और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो मिल्किफिकेशन है या मिल्क प्रोडक्ट है उनको स्टोर करने के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए। अब जैसे हम सभी जान रहे हैं कि आजकल का जो टाइम है बहुत सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखा जा रहा है, तो आजकल के समय जैसी परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पर जब ट्रांसपोर्टेशन उसका हो यानी कि डेयरी से कहीं ना कहीं तो वो दूध किसी कलेक्शन सेंटर पे तो जाएगा ही, जब वो उस कलेक्शन सेंटर पे जाएगा तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो मिल्क या वो प्रोडक्ट पूरी सफाई के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए और उस प्रोडक्ट में ऐसा ना हो कि किसी बीमार पशु का दूध हो यानी कि किसी बीमार एनिमल का वहां पर उसमें दूध हो, जिससे कि क्या होगा, बीमारी फैलने का डर हो सकता है, दूध खराब होने का डर हो सकता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी का जैसे शुरुआत में ही कार यूज बहुत होने लगा है तो जो पहले हैंडलिंग मैन टू मैन होती थी अब वो हम क्या करने लगे हैं, हैंडलिंग मैकेनिकल तरीके से करने लगे हैं, जिससे जैसे हाथों के इस्तेमाल के वजह से वो प्रोडक्ट के इन्फेक्टेड होने के चांसेस पहले से कम हो गए हैं, यानी कि अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता क्योंकि मैकेनिकल यूज ज्यादा बढ़ गया है इन जगहों पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें, हम ऐसे परिवेश में रहते हैं ना, आप अगर देख रहे हैं तो उसमें मोर देन परसेंटेज ऐसा है जिनके घरों में या जिनके आसपास क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई पशुपालन जरूर हो रहा होगा। और उसकी दृष्टि को ध्यान में रखकर अगर सपोज आपके ही घर में वो दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, आप 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 20 लीटर जो भी है आप अगर दूध बेचते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि वो बर्तन साफ हो, जब दूध निकाला जाए तो जानवर साफ हो, आप दूध निकाले तो आपके हाथ साफ हो, और जब आप अपने घर से दूध जिसको भी दे रहे हैं, किसी पर्सन को दे रहे हैं, कलेक्शन सेंटर पर दे रहे हैं, तो आप उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो यही चीजें ब्रॉड लेवल पर भी है, एक डेयरी फार्मिंग चलाई जा रही है, डेयरी चलाई जा रही है, तो ये जो व्यू है वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है। तो ये तो था डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए सबसे पहला इस्तेमाल है इसका स्टेटस के लिए, क्योंकि सभी आजकल अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं और एक धारणा ऐसी बन गई है जिसके पास मनी है, लोगों की अपनी एक व्यक्तिगत सोच है कि उसी का एक सोशल स्टेटस है। तो जाहिर सी बात है एक तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सुख सुविधाएं सभी को चाहिए, जब आप माना कोई उद्योग करते हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहां से पैसा मिलेगा, आपको वहां से टर्म्स मिलेंगे यानी कि लोगों से जान पहचान आपकी बढ़ेगी, साथ ही साथ कुछ लोगों को आप रोजगार भी दे पाएंगे यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और अपने स्टेटस को भी आप बढ़ा पाएंगे, जैसे अपनी सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने में आप सफल रह पाएंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो शायद पहला नंबर होना चाहिए, आप एक इंडियन है तो नेशन के संदर्भ में जो मनी जारी है आप उसमें एक योगदान कर पाएंगे, ये कुछ इसके लाभ हैं। यहाँ पर बात करेंगे दूसरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है कुक्कुट यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग की। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग की
पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है? जनरली ऐसा होता है कि मुर्गी पालन किया, इसे पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ सीधे सीधे इसे ना मुर्गी पालन भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, मैं लिख दे रही हूँ। जनरली मुर्गी पालन को मुर्गी पालन मुर्गी के पालने से ही समझा जाता है, लेकिन सामान्य तरीके से इसके अंतर्गत डक भी पाली जाती हैं, यानी बतख भी पाली जाती हैं, टर्की भी पाली जाती हैं, गीज भी पाली जाती हैं, और जो ये पोल्ट्री शब्द है जनरली इन्हीं सब के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम मुर्गी पालन की बात करें, जो ये मतलब जो भी हमने जानवर पाले हैं इनकी अगर हम बात करें, हम इनका पालन क्यों करते हैं? हम इनका पालन करते हैं इनके मीट के लिए और इनके अंडों के लिए, ठीक है। अब फिर वही चीज है, जैसे हमने डेयरी फार्मिंग की बात की और यहाँ पर हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो प्रिकॉशन यहाँ रखने जरूरी थे, जैसे उचित स्थान हो, जो भी आप माना मुर्गियां ही पाल रहे हैं या बतख ही पाल रहे हैं, तो बतख के रहने संबंधी पूरी व्यवस्था हो, जैसे पानी की भी व्यवस्था हो, खुले में जाने घूमने की भी व्यवस्था हो, साफ सुथरा स्थान हो, सुरक्षित स्थान हो, यानी कि किसी दूसरे जंतु का या अन्य जंतुओं का, मान लीजिए कुत्ता ही है उसका अटैक करने की संभावनाएं कम हो, और साथ ही जो भी इनको फूड दिया जा रहा है वो निश्चित मात्रा में हो और न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो, यानी कि पौष्टिक हो, ठीक है। पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, और कई बार आपने जैसे फ्लू से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ा था, बर्ड फ्लू वगैरह पढ़ा था, तो कुछ समय पहले जितनी भी पोल्ट्री था पूरे का पूरा पोल्ट्री बड़े बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, एक र्यूमर सा फैल गया, डर का माहौल बन गया था पूरे उसमें मतलब आसपास के क्षेत्रों में, जिसकी वजह से चिकन की और जो एग है उनकी खपत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड मुर्गी का अंडा खा लिया या उसका मीट खा लिया तो बीमार होने की संभावनाएं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि डॉक्टर टाइम टू टाइम इनके चेकअप के लिए अवेलेबल हो, जो भी टाइम टू टाइम इन्हें मेडिसिन की आवश्यकता होती है वो जल्दी उपलब्ध कराई जाए, और यदि कोई पशु इनमें बीमार है तो उस बर्ड को या उस एनिमल को, अगर डेयरी फार्मिंग के संदर्भ में बात करें, तो उन स्वस्थ जो भी अदर एनिमल्स का ग्रुप है उनसे सेपरेट कर देना चाहिए ताकि रोग अन्य उनमें ना फैले, ठीक है। तो ये तो था दो टॉपिक पे डिस्कशन, और कुछ जो हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर आंसर्स हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिया था। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग की। नेक्स्ट सेशन में क्या बात होगी, एनिमल ब्रीडिंग की। तो आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको नोट करते रहें, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि हम बीच में हिंट छोड़ देते हैं आपके लिए जिससे कि आप उस पॉइंट पर कलेक्शन तैयार कर सके, जैसे बर्ड फ्लू की बात की तो आप उसका नाम ढूंढिए जिसकी वजह से बर्ड फ्लू फैला था। तो आप लगातार साथ बने रहें, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।